नमस्कार नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, झारखंड में सियासी उठापटक के बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाया है। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने चंपई को मनोनीत सीएम माना है। आज शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन। राज्यपाल ने चंपई को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। मनोनीत सीएम के रूप में नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि 12 बजे आज शपथ ग्रहण हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, 12 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं चंपई सोरेन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार सस्पेंस बना हुआ था, राजभवन की तरफ निगाहें टिकी हुई थी, नजरें गड़ाए सत्ताधारी दल के विधायक बैठे हुए थे कि क्या आमंत्रण कब आता है, और वो आमंत्रण अब सामने आ चुका है और कहा है कि आप मनोनीत नेता है, इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। राजभवन से न्योता आ चुका है और 12 बजे का वक्त होगा, माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह इस सरकार का। तो रांची से बड़ी खबर, राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाया, राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। और इसी बात का लोगों को इंतजार था। जो भी सत्ताधारी दल के नेता जितने भी हैं, जिन्होंने भी समर्थन दिया है, वो सभी राजभवन की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज 12 से 1 बजे तक शपथ ग्रहण कराया जा सकता है चंपई सोरेन को, और उसके बाद फिर उनको बहुमत साबित करना होगा, यानी कि इसके बाद फिर उनको फ्लोर टेस्ट देना होगा। बिल्कुल, तो तस्वीर राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां पर 43 विधायकों के समर्थन को लेकर के चंपई सोरेन पहुंचते हैं, आमंत्रित किया जाता है राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, आलमगीर आलम भी नजर आ रहे हैं और चंपई सोरेन खुद नजर आ रहे हैं। तो 12 बजे के करीब वक्त होगा जब आज शपथ लिया जाएगा। हालांकि इस बीच कई विधायकों का मत ये भी है, कई मंत्रियों का मत ये भी है कि चेहरे जो मंत्री के तौर पर वो बदले जाए। देखना दिलचस्प होगा कि जब आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं चंपई सोरेन, तो उनके साथ साथ और कैबिनेट में कौन से मंत्रियों का शपथ होता है। तो आपको बता दें कि आज 12 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, चंपई सोरेन अगले सीएम हो सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। शपथ ग्रहण के लिए चंपई सोरेन जाते हैं, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला झारखंड का सीएम कौन होगा। तो पूर्व सीएम, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन, जो कि अभी 3 मामलों में आरोपी चल रहे हैं, ईडी की कस्टडी में है। और आज खबर ये भी सामने आ रही है कि, और देखिए बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। ईडी की ओर से गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने चुनौती दी है। 3 जज की स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सुंदरेश, जस्टिस त्रिवेदी की बेंच में सुनवाई होगी। जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। सेना की जमीन के साथ फर्जीवाड़े तरीके से उस जमीन को खरीद बिक्री, खरीद फरोख्त का ये मामला है। और हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से टकटकी निगाहें टिकी हुई थी राजभवन की तरफ की आमंत्रित करे राज्यपाल, और अब वो समय आ गया है, आज शपथ ग्रहण को लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या 12 बजे का वो वक्त होगा? देखिए, राजभवन से जिस बुलावे का इंतजार था, अब वो बुलावा आ गया है और चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे, यानी 12वीं सरकार के वो मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। अब तक जिन मुख्यमंत्रियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है, उसमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन है। तो अब चंपई सोरेन के कंधों पर जिम्मेदारी होगी जेएमएम पार्टी को लेकर, और जेएमएम की जो सरकार होगी जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले का भी समर्थन है, तो ये गठबंधन की सरकार जो है, जिसके पास 11 महीनों का वक्त बचा है, जो 5वां विधानसभा है झारखंड का, उसके कार्यकाल में अब 11 महीनों का वक्त बचा है। तो आज देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन शपथ ग्रहण लेते हैं तो उसके बाद जो है मंत्रियों का कब शपथ होता है, क्या चंपई सोरेन के साथ ही जो 11 पिछली सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे, तो उसमें से कितने चेहरों को कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या कोई चेहरा बदलेगा, कोई नया विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेगा, तो सारी निगाहें अब राजभवन की ओर टिकी है। दोपहर 12 बजे करीब जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है। साथ ही जो है एक जो चर्चा के केंद्र बिंदु में होगा वो होटवार जेल और जो है ईडी कोर्ट होगा। एक बार फिर जो है ईडी कोर्ट में सबकी निगाहें टिकी होगी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
उनकी जुडिशियल कस्टडी होती है या वो ईडी के कस्टडी में पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट द्वारा सौंपे जाते हैं। तो अब देखने वाली बात है, आज जो चर्चा के केंद्र बिंदु में दो ही जो है लोकेशन होंगे, एक ईडी कोर्ट और एक राजभवन। राजभवन में नई सरकार के गठन का स्वरूप और तस्वीर दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो क्या जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे या ईडी की कस्टडी में जाएंगे। जी बिल्कुल दिवाकर, देखिए और अगला सीएम जो चंपई सोरेन होने जा रहे हैं, हालांकि ये हेमंत सोरेन के परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि पुराने नेता हैं और वे एक विश्वसनीय नेता हैं और जिस तरीके से साल 2024 बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, ऐसे में एक विश्वसनीय इंसान बेहद जरूरी है सत्ता के लिए। जी बिल्कुल, चंपई सोरेन जो शिबू सोरेन के साथ ही संघर्ष के दिनों के साथी हैं और ये माना जाता है कि शिबू सोरेन परिवार यानी सोरेन परिवार है उसके सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं, तो अब ऐसे में हेमंत सोरेन ने बेटन उनके हाथ थमाई है। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं सरकार की साख, और सरकार आगे जो है कुछ ही महीनों के बाद यानी कि 11 महीनों के बाद जब चुनाव होंगे उसमें जेएमएम की साख को किस तरीके से वो बरकरार रखते हैं, क्योंकि अभी जो है जेएमएम जो पार्टी है। दिवाकर एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, ईडी ने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ हेमंत सोरेन का यह कहना है कि जो कार्रवाई है वो तर्कसंगत नहीं है, इसको लेकर क्या अपडेट है इस सुनवाई को लेकर? देखिए अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक तरफ कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर है उसको विड्रॉ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अगला तारीख तय किया जाएगा, लेकिन कल हाई कोर्ट से भी खबर आई कि वो जो पिटीशन है वो विड्रॉ नहीं हुआ बल्कि 5 फरवरी को सुनवाई होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है जी? आगे कितनी जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो है ईडी कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि महत्वपूर्ण है आज का दिन। चलिए बिल्कुल, तो कोर्ट पर भी निगाहें सबकी टिकी होगी और साथ ही साथ आज निगाहें उस शपथ ग्रहण पर भी होगी, सियासी हलचल बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दोनों चार्टर्ड प्लेन उड़ान नहीं भर सका, लो विजिबिलिटी की वजह से दोनों विमान उड़ान नहीं भर सके कल। और इससे पहले गठबंधन के 39 विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए दोनों चार्टर प्लेन पर बैठाया गया था, पर खराब मौसम के चलते दोनों चार्टर विमान उड़ान नहीं भर सके और इसके बाद इन सभी विधायकों को वापस रांची सर्किट हाउस ले जाया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी विधायकों को वापस से सर्किट हाउस ले जाया गया। बहुत ज्यादा कोहरे होने की वजह से, विजिबिलिटी काफी लो होने की वजह से विमान उड़ान नहीं भर पाया और यही वजह है कि 39 विधायक वापस लौट गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये चार्टर प्लेन के अंदर की तस्वीर है जब 2 घंटे तक इंतजार करते रहे विधायक, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से, कोहरा ज्यादा होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से प्लेन उड़ान नहीं भर पाया। हाँ, खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है आज ये हैदराबाद ये लोग जा सकते हैं अगर मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि कल तो वो नहीं जा पाए थे खराब मौसम की वजह से। मनोज भैया क्या कारण रहा कि वापस? अरे आप विजिबिलिटी देख रहे हैं, आप मौसम खराब होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण आगे बता दो, फिर कब जाएंगे, कब जाएंगे, आप इंतजार कीजिए, आप लोगों को बता दिया जाए। अम्बा जी किस बात का डर है, किस बात का डर है आप लोगों को? अम्बा जी क्या कारण हुआ कि? देखिए डर नहीं है और इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक लड़ाई के तौर पे आप लोग देख रहे हैं हमारा जो चीजें। अम्बाजी क्या कल, क्या कल भी कहीं जाने की तैयारी हो? देखिए हमारी जो भी हमारा जो भी कदम है वो यही कोशिश पे है कि हमारा जो ये चुनी हुई सरकार है वो जो मेजॉरिटी वाले हमारा सरकार में जितने भी लोग हैं गठबंधन के और हम लोग मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत
संविधान का सम्मान हो। आज रात कहाँ जाना था जो कैंसिल हुआ, बट आप कहाँ जाने के लिए उड़ान भरा जा रहा था? कल्पना सोरेन का भी नाम आया था, बट आप जाएंगे फिर? क्या कारण है? कुछ नहीं है, क्या कारण है कि आप लोगों ने समर्थन नहीं किया? ये आपका गलत मैसेज है। कल जाने को लेकर क्या है? कल कहीं जा सकते हैं? कल का ऐसा कुछ अभी कोई तय नहीं किया गया है। डर किस बात का है सर? अगर बहुमत है क्यों जा रहे थे? डर घटता है ना, डर महामहिम को है, गृह मंत्री को है। रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन के 43 विधायक ने परेड की। ये सभी विधायक एक साथ कैमरे के सामने आए और एक एक कर अपना नंबर बताया। और इस वीडियो में आपको बता दें कि एक वीडियो है जिसमें कि 43 विधायक मौजूद हैं, और इस परेड में हेमंत सोरेन की विधायक भाभी सीता सोरेन और बागी विधायक चमरा लिंडा समेत 4 विधायक नजर नहीं आए। महागठबंधन की ओर से राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे गए, जबकि कुल 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ 43 विधायकों के समर्थन पत्र भी सौंपे गए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं जो विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है वो लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में परेड में विधायक सीता नजारत दिखी, 40 एक साथ कैमरे के सामने आए सभी विधायक। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 47 विधायक के समर्थन का दावा था, लेकिन 43 तो देखिए एक झुटका दिखाने की काउंटिंग की जा रही है, कैसे ये विधायकों की संख्या 43 तक पहुंचती है। कैमरे के सामने ये विधायक आते हैं और कहते हैं कि हम एकजुट हैं, और इस एकजुटता में लेकिन वो 4 विधायक नदारद जिनको लेकर चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है, जो कई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। और देखिए ये 43 तक जो है वो विधायकों की संख्या पहुंच जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अपर डिवीजन के सेल नंबर 1 में रखा गया है, और इसी सेल में हेमंत सोरेन की रात कटी है। वीवीआईपी आरोपियों और कैदियों को यह सेल अलॉट किया जाता है, और इस सेल में अटैच बाथरूम के साथ अर्दली का भी इंतजाम है। रांची से खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सेंट्रल जेल में हेमंत सोरेन की रात कटी है, और आपको बताते चलें कि एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन रखे गए। इस सेल में अटैच बाथरूम के साथ अर्दली का भी इंतजाम है। बता दें आपको कि वीवीआईपी आरोपियों और कैदियों को यह सेल अलॉट किया जाता है, तो इसी सेल में हेमंत सोरेन की रात कटी है। और खबर ये भी सामने आई कि बड़ी बेचैनी भरी रात सीएम सोरेन की थी, पूरी रात करवट बदलते रहे, मुश्किलों में हेमंत सोरेन अब दिख रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अपर डिवीजन के सेल नंबर 1 में रखा गया है, और इसी सेल में हेमंत सोरेन की रात कटी। वीवीआईपी आरोपियों और कैदियों को यह सेल अलॉट किया जाता है, और इस सेल में अटैच बाथरूम के साथ अर्दली का भी इंतजाम है। राज्य के जिस बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा गया है, उसका पुराना इतिहास रहा है। अब तक 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस जेल की हवा खा चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची, ये एक ऐसा जेल है जिसकी कहानी जो है वो काफी, कहा जाए तो इसका इतिहास भी बड़ा रहा है। इस जेल में अब तक जो है वो 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जिन्होंने इस जेल का उद्घाटन किया था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस जेल का उद्घाटन किया, लेकिन चारा घोटाला मामले में उन्हें भी गिरफ्तार कर इसी जेल में रखा गया था। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी इसी जेल में रखा गया था, और आज लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को भी आज इसी जेल में आना पड़ा है। साफ तौर से बात करें तो इस जेल में कई राजनेता जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें झारखंड से जुड़े हुए तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो भी शामिल रहे हैं, तो वहीं कई बड़े और दुर्दांत नक्सली जो हैं वो भी इस जेल में रह चुके हैं। तो आज की रात जो है हेमंत सोरेन को इसी जेल में काटनी है। अब देखना होगा कि आज की रात वो किस तरह से काटते हैं, क्योंकि कल की रात जो थी वो ईडी के दफ्तर में कटी थी उनकी, और आज न्यायिक हिरासत के कारण होटवार जेल में कटेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
इससे पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और रिमांड की अपील की। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। ईडी ने कोर्ट से हेमंत सोरेन को रिमांड पर देने की अपील की। बचाव पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। दोनों ओर की बहस के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके रिमांड पर कोर्ट में आज भी बहस होगी और इसके बाद ज्यादा दिनों के रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। तो उठवाद में हेमंत है, हेमंत सोरेन जो है वो एक दिन की न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने रिमांड मांगी है, हालांकि अभी तो फिलहाल एक दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन ईडी आगे और भी ज्यादा दिनों के लिए रिमांड मांग सकती है। खबर ये सामने आ रही है कि 14 दिनों की रिमांड की बात की जा सकती है और इसके बाद और भी चीजों को लेकर के और भी जितने मामले हैं उन सभी को लेकर के पूछताछ की जा सकती है हेमंत सोरेन से। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ते हुए दिख रही है। कोई केस नहीं बनता है, 8 एकड़ की जमीन है जो हमारे नाम पे किसी ने कह दिया तो मेरा हो जाएगा। वो भुयरी जमीन है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी का, ना हमारा उसका कब्जा है, किसी के कहने से मेरा कब्जा नहीं होता। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे नाम पे, उसका म्यूटेशन रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट जो सिविल ऑफेंस भानु प्रताप प्रसाद के जो केस फाइल किया गया है वो ईडी ने सरकार से साझा किया था इन्फॉर्मेशन, इनके यहाँ से ये रिकॉर्ड मिले हैं टेम्परिंग के, उसमें मेरा नाम नहीं है। उसके आधार पे FIR लॉन्च हुआ है, उस FIR में जो केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे कोई लिंक नहीं है हमारा। फिर भी किसी तीसरे चौथे का कोई मैटर लेकर के और हमारे पर कार्रवाई चल रही है।